ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लाडवा में सभी कार्यकर्ताओं से आज मिलना हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो इतनी गर्मी में मेहनत और पसीना बहाया है, डबल इंजन सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का यहां पर धन्यवाद करने के लिए यहां पर आया था। मैं लाडवा की तमाम जनता का भी, सभी सम्मानित लोगों का भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो यहां से कमल का फूल खिलाया और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा का तीव्र गति से विकास करने का काम करेगी और जल्दी ही हमारे सभी कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। अधिकारियों को हमने आदेश दिए हैं कि कहीं पर अगर कोई सड़क टूटी हुई है उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम करें, अगर कोई पैचवर्क लगाना है तो पैचवर्क लगाने का काम करें और अनाज मंडियों में धान की आवाक गति से आ रही है, हमारे किसान को भी किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत ना हो उसको लेकर के भी हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर भी किसी हमारे किसान भाई को कोई समस्या दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसकी व्यवस्था वो सरकार ने पूर्ण रूप से की हुई है। दिल्ली की मुख्य सरकार कह रही है पोल्यूशन को लेकर हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। देखिए दिल्ली के लोग तो मलाई खाने वाले वो केजरीवाल साहब हैं, उसने लोगों की समस्याएं तो दिखती नहीं, वो तो मलाई खाता है और मलाई खा के बोलता है, झूठ के पुलंदे खोलता है, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। उसने पहली बार जब वो दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था उसका सबसे पहले बयान ये आया था कि मैं यमुना को क्लीन करूंगा, स्वच्छ करूंगा। सबसे बड़ा पोल्यूशन तो स्वयं केजरीवाल है कि उसको भी वो पूरा नहीं कर पाया जो यमुना को क्लीन करने की उसने बात की थी। वहीं पर 28 नाले उस यमुना के अंदर आज भी जा रहे हैं, एक भी छोटा सा भी काम नहीं किया, खाली झूठ बोल करके लोगों का पेट भरने का वो काम करता है। लोग अब जान चुके हैं, उसके चेहरे को भी जान चुके हैं, उसका नकाब भी उतर चुका है लोगों के सामने। अब ये जो चुनाव वो दिल्ली के अंदर होगा ये केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बनाएगी और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जिस प्रकार से हरियाणा में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है, दिल्ली के अंदर भी करेंगे। सर जी ने आरोप लगाया है, सर एसपी का आरोप लगाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? महिला आयोग ने तलब भी किया है दोनों का, एसपी जेल में जांच चल रही है।